मेरी एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी सेंटर में सूर्य प्रेजेंट है और सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे कि बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन सभी ग्रहों में बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक में है और सूर्य से बुध ग्रह का डिस्टेंस लगभग 69.429 मिलियन किलोमीटर है। और बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह जो कि सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है और सूर्य से शुक्र ग्रह का डिस्टेंस लगभग 107.91 मिलियन किलोमीटर है। तो क्या आपको पता है हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही गर्म है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का सतह बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब इसमें फैक्ट का बात यह है कि बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक में है, लेकिन नज़दीक होने के बावजूद भी यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। लेकिन जो शुक्र ग्रह जो कि दूसरा नंबर पर आता है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ऐसा क्यों है? सबसे नज़दीकी ग्रह तो बुध ग्रह है, वो गर्म क्यों नहीं है और शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है? शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो चलिए इसका कारण जानते हैं हमारी इस वीडियो में। तो इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। शुक्र ग्रह जिसका एटमॉस्फेयर बुध ग्रह की तुलना में बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब घना है, और यहाँ का लगभग पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं और इन्हीं गैसों के कारण इस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पर जो सन का जो हीट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है, जिसके कारण यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है और इस ग्रह का जो भी सतह होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जो बुध ग्रह है वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन वहाँ जब भी सन का हीट जाता है वो वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसके कारण से वहाँ का जो सतह होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और बुध ग्रह जो नज़दीक होते हुए भी गर्म ग्रह नहीं है।